हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको डिजाइनर बाजू काटना सिलना बताएंगे। ये देखिए, ये हमारी हाफ बाजू का कपड़ा है। हमने कपड़े की लंबाई ली है करीबन 5 1/2 इंच। 5 5 इंच हमारा फाइनल होगा, 1/2 इंच हम सिलाई के लिए ऊपर लेंगे जो हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। और उसके बाद जो हमें बाजू की लेंथ लेनी है वो लेनी है हमें 9 इंच। 9 इंच के बाद हम जैसे हमने यहाँ पे 5 1/2 इंच लिया है तो यहाँ से हम 2 इंच कम लेंगे नीचे से। नीचे से हम करीबन 3 इंच लेंगे इतना। ये हमारा 3 इंच हो गया। और उसके बाद जो हम अपनी यहाँ की लेंथ रखेंगे बाजू की, वो रखेंगे 6 इंच इतनी। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। और उसके बाद हम इस निशान को हम ऐसे करके, जैसे यहाँ पे कॉर्नर है यहाँ पे ऐसे रख के इसे ऐसे और इस तरह से चौक से सीधा कर देंगे। ये देखिए, ये सीधा हो गया। उसके बाद हम इस बाजू को कट करेंगे। यहाँ से हम कट करेंगे। ये देखिए, बाजू कट हो गई। और उसके बाद जो हम हमारा फ्रंट वाला गला होता है उसमें हम करीबन 1.5 इंच का कट लगाते हैं। जैसे यहाँ से हम 1 इंच लेंगे अंदर से इतना और इस तरह से यहाँ पे ऐसे। ये 2 पीस हमें नीचे ही रखने हैं और 2 पीस में ही हमें जो फ्रंट में आते हैं उन्हीं में हमें कट लगाना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पीस पे आएगा। और उसके बाद जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हम यहाँ से करीबन 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक 4 इंच हो गया। उसके बाद एक निशान हम इस निशान को हम ऐसे करके एक निशान हम 5 इंच पे ऐसे ऐसे इंच टेप को बिल्कुल इस तरह कॉर्नर टाइप में रख के, ये देखिए, और ऐसे ये कॉर्नर है यहाँ पे, इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे यहाँ पे 5 इंच पे इस तरह से। ये देखिए, और इस कपड़े को हम कट कर देंगे, बाजू से अलग कर देंगे। ये देखिए, ये कपड़ा हमारा कट हो गया। और उसके बाद ये बाजू हो गई। अब इस बाजू में हम डिजाइन के लिए कपड़ा लेंगे। कपड़ा हमें इस तरह से लेना है, जैसे हमारा ये कपड़ा है, हमें इसी कपड़े के ऊपर, जैसे हमने एक तो इस कलर की पट्टी काटी है और एक हमने येलो कलर की काटी है। हमारी पट्टियां हैं करीबन 2 1/2 इंच की, हमने ये येलो वाली काटी है और 2 1/2 इंच की हमारे ये इसी कलर के कपड़े की है। अब इससे हम अपने इस बाजू में डिजाइन बना के इसमें जॉइंट करेंगे। ये हम आपको सिल के बताएंगे। ये देखिए, हमने तिरछी पाइपिंग कटिंग करके और हमने एक तरफ इसमें सिलाई लगाई है। और इस पाइपिंग को हमने जैसे ये बाजू कट की थी इसमें इसी तरह से यहाँ से इसी कर्व के हिसाब से इसे इसमें लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमें ऐसे कपड़े को ऐसे रखना होता है। ये जो हमने कपड़ा थोड़ा सा फोल्ड किया है ये हमें सीधे कपड़े की तरफ रखना है। और ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से पाइपिंग स्टार्ट करके और पूरे में ऐसे ही कर्व के हिसाब से पाइपिंग लगानी है। पूरे में हम ऐसे ही लगा के इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसमें हमने पतली पतली पाइपिंग लगा के इसे तैयार कर लिए। उसके बाद जो हमारे पैटर्न है इसको हम इस तरह से, सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे इतना और इस कपड़े को ऐसे इस तरह से कपड़े को उल्टा रख के और तभी से ऐसे सिलेंगे इस तरह से।
देखिए ये कपड़ा सिल लिया है। उसके बाद इस कपड़े को हम ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे जिससे धागे वगैरह सब अंदर की तरफ आ जाएं। ऐसे इसे हम फोल्ड कर देंगे। ऐसे बराबर सिलाई लगा के इस तरह से, और उसके बाद हम ऐसे दूसरा पैटर्न तैयार करेंगे इसी तरह से। ये देखिए ऐसे, और फिर इसके ऊपर ऐसे इस सिलाई को ढकते हुए, सिलाई हमें सारी ढकनी है इस तरह से। एक ऐसा पीस और एक ऐसा पीस, ऐसे हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इस कलर का पीस लगाएंगे इसमें। सिलाई किसी की भी नहीं दिखनी चाहिए। और जो बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसे हम कट कर देंगे। ऐसे ही हम ये येलो वाला भी सेम ऐसे ही लगाएंगे। ऐसे हम सारे पैटर्न बना के तैयार कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये पैटर्न हमने बना के तैयार कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था वो हमने कट कर दिया है। अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे इस तरह से रख के, और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिला के। यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस तरफ से हमने लगा के इसे तैयार कर लिया है। उसके बाद इस तरफ को भी हम ऐसे ही लगाएंगे इसी तरह से, यहाँ से ऐसे रख के, और इसे लगा के हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें ये गोल्डन कलर की लेस लगा के इसे तैयार कर लिया है बाजू को। सिर्फ हमने आपको सैंपल बताया है, आप ऐसी बाजू अपने लिए बना सकती हैं। ये बहुत इजी तरीका है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू आपके सामने बनके तैयार है। इसमें हमने गोल्डन कलर की लेस लगाई है, और जैसा डिजाइन हमने ये बनाया है आप ऐसा ही डिजाइन अपने लिए बना सकती हैं। यह है बहुत इजी तरीका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।